तो आपकी साली से आप चर्चा कुछ कीजिए, इनको समझाइए करके। अरे भाई उनको पुजारी जी को समझाएंगे क्या हो? देखिए मैं मांझी जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों से कहाँ गए थे? इनका गांव कहाँ है कोई बता दे। मैं तो कई भाई सभा में पूछा भाई इनका जहाँ है उनका गांव कहाँ है आप बताओ। मैं खुद नहीं जानता। नहीं कोई जानते हैं? उनको पता नहीं है मैनपुर में नाहनबिरी में मेरा घर है, वहाँ बरही देवभोग ब्लॉक में मेरा खेती बाड़ी है। कांग्रेस के बड़े नेता भी आपके संपर्क में हैं और आपको जिताने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार यहाँ कर्जा माफ कर रहे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कि जो आपके विधायक हैं, वर्तमान विधायक दौड़धर पुजारी, उनका मन को आप मोह नहीं पाए। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी, तेज तर्रार अंदाज के लिए आप मुझे पसंद करते हैं लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है। कोशिश करूंगा कि जो मेरा अंदाज है वैसा ही बना रहे। थोड़ा सा मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखा देंगे यहाँ पे। ये झीरी पानी का गांव है और झीरी पानी के गांव में इस समय जो बीजेपी की बाइक रैली है, बीजेपी की बाइक रैली यहाँ पर पहुंची है और कार्यकर्ताओं ने भोजन किया। भोजन करने के बाद उनके नेता आप देख रहे हैं पूर्व विधायक गोवर्धन सिंह मांझी, बकायदा उनके चेहरे पर तेज तर्रार खाना खाने के बाद फिर से एकदम बिल्कुल जोश और जलवे के साथ नजर आ रहे हैं और हमारे तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा देर बात करेंगे मांझी जी आपके साथ। तो कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समीकरण समझा दूं। कांग्रेस ने पिछले दिनों नदी पार बाइक रैली का आयोजन किया था, उस दौरान कांग्रेस ने दावा किया था कि हमारी स्थिति यहां पर मजबूत है। इसके बाद जो पूर्व विधायक हैं, आज उनके कार्यकर्ताओं के उन्होंने करीब 20 गांव का दौरा कर लिया है, उनकी कितनी स्थिति मजबूत है उनको लेकर बातचीत करेंगे। और माझी जी नमस्कार। नमस्कार, सब हालचाल बढ़िया? बढ़िया। कितना चल रहा माझी जी आपको उम्र? अभी उम्र 65 ईयर्स। 65 साल। तो गाड़ी आप खुद चलाए कि कोई कार्यकर्ता चलाए? अभी चला रहा था। खुद चलाए? कितना किलोमीटर चलाए? 8-10 किलोमीटर चलाए। तो माझी जी उम्र में कैसे इतना मेंटेन कर लेती हो? सवाल ही नहीं उठता यार, इस उम्र में क्या है? हैं? वो तो पूरे अपन अभी तक बाइक चला सकते थे। क्या माझी जी, थोड़ा सा चुनावी मुद्दे में तो आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा आपके रूटीन जिंदगी के बारे में बात कर लेता हूँ। कितना समय उठते हो माझी जी? मैं 5:30 बजे। 5:30 बजे। योगा वगैरह कुछ करते हो कि? कर लेता हूं। थोड़ा बहुत करते हैं। उसके बाद क्या रहता है रूटीन जिंदगी? नहाना धोना फिर अपने कार में निकल जाना। माझी जी ये चीज, ये सवाल मेरे को आपसे इसीलिए पूछना पड़ा, 65 की भी उम्र में आपके चेहरे की जो ताजगी है, आपकी जो हंसी है, हंसी का राज क्या है? थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा हंसी का राज भी बता दीजिए। हंसी का राज क्या है यार, हम ये जो हमारे कार्यकर्ता भाई हैं, जो जोश जुनून से जो काम कर रहे हैं और हम पूरा घूम के आ रहे हैं, जो लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उनके जो समर्पण है उसको देख करके हमें खुशी हो रही है और इसके कारण हम आज यहाँ पे सब उत्साह से भरे हुए हमारे कार्यकर्ता। पक्का? पक्का। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, देख रहे हैं सभी के चेहरे मुस्कान है। ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष को देख लीजिए पूरा। ये तो माझी जी आपके जो युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है हमेशा मुस्कुराते रहते हैं माझी जी। ये भैया का चेहरा थोड़ा नहीं मुस्कुरा रहे, क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? पक्का आपके माझी जी जीत रहे? जीते गए। जीते ना? चलो माझी जी, कांग्रेस ने पिछले दिनों यहाँ पे बाइक रैली का आयोजन किया था, हमने उनसे बात की थी, तो कांग्रेस का दावा है कि नदी उस पार में जहां पहले आप 80 रहते थे वो 20 रहते थे, आज के रेट में 50-50 कांटे की टक्कर है, उनका ऐसा दावा है। 20 गांव में आपने दौरा किया माझी जी, क्या स्थिति दिखी थोड़ा बताइए। वो कोई सपना अपना देखे होंगे वो लोग, एक्चुअली में यहाँ जानते हो सदियों से एक रिकॉर्ड है, इस 36 गांव में भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो यथावत बना हुआ है, बल्कि उससे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मतदाताओं की, और भारतीय जनता पार्टी को आज तक किसी ने हिला नहीं पाया है इस 36 गांव में, सब देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ के, किसी को भी चाहे जो भी प्रलोभन दे कुछ भी करे, हमारा जो नदी के इस पार का जो गांव है, इसके अलावा उधर भी है हमारा गोहरापदर मंडल, देवभोग मंडल और झाकरपारा मंडल, इसमें हमारे जो कार्यकर्ता है वो टस के मस नहीं होने वाले हैं। और कांग्रेस आज पूरी तरह से फेलवर है, उसने कुछ भी काम नहीं किया 5 साल में, तो उसके प्रति और क्या इनकी वो रहेगी। आज सबको धोखा दे करके 36 घोषणाएं करके इतना सारा प्लान बना करके ऐसी ऐसी योजनाएं बता करके सबको ठगने का जो काम किया, ये इस क्षेत्र के लोगों को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके झांसे में नहीं आए, पूरा
भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे विधायक बनाए, सांसद भी बनाए, मगर अन्य क्षेत्रों में जो आज ये झांसी दूसरा पद को वोट दिया, लोगों को इसके फेस या उसके नेतागिरी या उसके उसको देख करके उन्होंने नहीं किया। ये जो घोषणा पत्र जिस तरह लोप लुभाने इन्होंने भूपेश बघेल ने जो तैयार किया था उस पे इन्होंने अपना मुहर लगा दिया और आज पछता रहे हैं। सभी लोग पछता रहे, कर्मचारी से लेकर व्यापारी, किसान, मजदूर, शिक्षित, बेरोजगार, तमाम तरह के लोगों को आज अफसोस हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती किया है और वो आज आक्रोश में है कि कब चुनाव आए और हम इसका बदला ले लें। माझी जी, बोलने में तो आप तेतर्रार हैं, क्योंकि आपके पहले कार्यकाल में भी मैं आपके साथ रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, बोलने में माझी जी भी आप बिल्कुल तेतर्रार हैं। माझी जी एक चीज़ बताइए, कल हम सैलून में बैठे थे तो सैलून में चर्चा हो रही थी, आप ही के पार्टी के 4-5 कार्यकर्ता थे, उन्होंने आपका नाम मोहिनी कहा, मोहिनी इसलिए माझी जी इसका भी डिटेल बता देता हूँ, उनका ये कहना था कि टिकट मिलने के बाद जो कार्यकर्ता आपसे नाराज थे आज के डेट में कार्यकर्ता का मन भी आपने मोह लिया है। लेकिन माझी जी उनका ये भी कहना था कि जो आपके विधायक हैं वर्तमान विधायक दौड़धर पुजारी उनका मन को आप मोह नहीं पाए, मोहिनी का जो असर है वहां पे बेअसर हो गया है, इसका थोड़ा जवाब दे दीजिए। देखिए उसके बाद उनको खुद को लग जाना चाहिए, उनको मुझे समझाने की क्या जरूरत है बताइए, और अन्य लोगों को हम बोले हाथ पैर जोड़े, वो तो स्वतः दो कार्यकाल का विधायक स्वयं है, तो कहते हैं कि वो मेरे संगदी हैं, फिर वो कहते हैं कि दोनों उनके साथ दो रिश्ते हैं, कहते हैं वो कहते हैं कि मेरे भतीजा है, फिर वो कहते हैं संगदी है, तो क्या संगदी संगदी को समझा नहीं पाया? देखिए वो मेरा भतीजा है ना, और मेरे साली को भी लाए हैं उनके भाई के लिए, तो वो उधर हमारी घर के रिलेशन है, उसमें बहुत पुराना हमारे दादा मतलब हमारी दादी जो थी उसके साथ में बहुत ज्यादा इनका क्लोज, बलराम पुजारी जब भी रायपुर गए हमारे ये इनको जो बूढ़ी माँ का पैर चुके जाते थे, वापसी में भी पैर चुके, तो कभी कभी रुक जाते थे, ये आज का संबंध नहीं है, बहुत पुराना संबंध है उनका हमारा, मगर सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मतलब पुजारी जी को जो धर्म पत्नी है वो आपकी साली है? उनके भाई के जो जो छोटे भाई है ना, सॉरी सॉरी, उनके छोटे भाई की जो उनके छोटे भाई की जो पत्नी है वो आपकी साली है? साली। तो आपकी साली से आप चर्चा कुछ कीजिए, इनको समझाइए करके। अरे भाई उनको पुजारी जी को समझाएंगे क्या, वो देव ससुर है, मतलब देव ससुर और उन बहू के बीच बातचीत नहीं होता, आज भी ये परंपरा कायम है, हमारी यहाँ परंपरा कायम है। और चलिए देर सवेरे नाराजगी तो थोड़ा सा रहता है, टिकट नहीं मिलने से हो सकता है कि कुछ दिनों में पुजारी जी हमारे साथ में घूमे, कुछ दिन बाद नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी क्या है थोड़ा सा रहता है, हर किसी को आक्रोश रहता है, और हम चाहते हैं कि भाई वो जरूर पार्टी के हित को अगर ध्यान में रखते हुए, पार्टी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम सबके साथ में उनको चलना चाहिए। माझी जी एक महत्वपूर्ण सवाल, आप राजनीति के वरिष्ठ हैं और दूसरी बार पार्टी ने आपको मौका दिया है, आपका भी अनुभवी नेता है, माझी जी मैं आपसे एक समीकरण समझना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी से भागीरथी माझी मैदान पर है, कांग्रेस से पुनः 2013 के कैंडिडेट जनक ध्रुव को टिकट दिया है, तो 2013 के आप भी कैंडिडेट थे, आपको चुनावी मैदान पर उतारा गया है, माझी जी समीकरण क्या बैठेगा और ऊंट किस करवट लेगा, क्या लगता है आपको? अभी आप देखते जाइए, पहले तो लोग अनुभव कर चुके हैं, वो भी अनुभव कर चुके हैं 32,000 का, और आज इन्होंने जो 5 साल में कुछ भी विकास का काम नहीं किया यहाँ पर उसका भोगेगा वही, और थोड़ा बहुत ये मंडी और ट्रांसफर का काम किया सिर्फ, इस क्षेत्र से मास्टरों को भगाने का काम, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भगाने का काम, और ये जो 2-4 जगह मंडी जो खोले उसको लेन देन करके मंडी खोला गया, ऐसा कोई फ्री में नहीं खोला इसने, स्वार्थ में इन्होंने पूरा काम किया है। आज हमारा पूरा स्कूल शिक्षक भी हो गए, पूरे अस्पताल डॉक्टर और कंपाउंडर भी हो गए, तो ये इसीलिए ये लोग ये दलाली का काम करते रहे 5 साल तक, एक उद्योग चला दिए ट्रांसफर का, पूरे यहाँ इस अंचल से पूरे टीचर या कर्मचारी सब बाहर हो गए, इसको हम सभी हम इसको हमको बताने की जरूरत है, हमारे कार्यकर्ता इसको बता रहे हैं कि इन्होंने 5 साल में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया यहाँ पे, और मन चाहे जगह में इतना लगेगा, तेरे घर में के सामने में जाओगे तो जिले के बाहर जाना तो इतना लगेगा, ये सौदा कर करके इन्होंने जो ट्रांसफर किया और इसको बेहाल छोड़ दिया, इंद्रनगर का इसका भुगतना इनको पड़ेगा। मान के चले क्या कि यदि कहीं
महोदय थोड़ा सा आप 10 मिनट समय लूंगा, थोड़ा सा बिल्कुल, देखिए आप लोग का समय महत्वपूर्ण है मुझे भी पता है, थोड़ा सा मेरे को भी 10 मिनट दे दीजिए, आप अनुमति देते हैं? ठीक है ठीक है, बात कर लो, हाँ, पक्का कर लो, पक्का ठीक। अच्छा मांझी जी एक सवाल आपसे ये भी पूछूंगा मैं, कांग्रेस सरकार का ये दावा है कि जितने बिलवान अगर मंडियां खुली गई उन मंडियों का भी फर्क पड़ेगा और किसान कांग्रेस सरकार के पक्ष में वोट देंगे, क्या सोचते हैं आप? देखिए मंडियों को इन्होंने पंचायत से पैसा अहरण करके इनको पैसा दी गई मंडी खोलने के लिए, निस्वार्थ भाव कहां से रह गया है? आखिर उसी मंडी में जाता, दो दो एक एक किलोमीटर में खोलने से कितना फायदा हो गया इनका, आखिर धान तो उसी मंडी में जा ही रहे थे। आज सब जगह जितने नए मंडी खोले आप जाके वहां पूछ सकते हैं कि कितना पैसा इन्होंने दिया पंचायत वालों ने, तब वहां पे मंडी खोले। निस्वार्थ भाव से सेवा होना चाहिए ना, आज ये ऐसा दोहन किए हैं, आज पूरे कमेटी में आप देख लीजिए, स्कूलों में उन्हीं के लोग, गोठान में उनके लोग, किसी भी संस्था में उनका, ये तरीका नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ 15 साल थी, सबको प्राथमिकता दिया गया, गांव में जितने लोग हैं चाहे बीजेपी को, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट का हो, सबको वहाँ पे प्रतिनिधित्व रहता था शाला विकास समिति में या अन्य किसी भी संस्था में। आज मात्र कांग्रेसी, ओनली कांग्रेसियों को इन्होंने, और गाँव के जो लोग थे गणमान्य लोग हैं, कोई आदमी नहीं है क्या, इनके कांग्रेस के लोग ही वफादार हैं, दूध के धोए हैं। अंतिम सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, चूंकि आपके कार्यकर्ता भी हड़बड़ा रहे हैं, आपको बाइक रैली में जाना है, माझी जी आप जितने भी गांव में घूम रहे हैं क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? बहुत ही ज्यादा रिस्पांस है भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसा तो हमारा गाँव ये पूरा क्षेत्र बीजेपी में है, इसको कोई डिगा नहीं सकता, मगर आज आज पुनः उससे कहीं ज्यादा जो कांग्रेस के लोग वो भी बौखला गए हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि इसने जो क्या किया। दूसरी बात, आज कांग्रेसियों को सोचने के लिए विवश होना पड़ा है, और आप इसके माध्यम से बता दूं क्या, बिंद्रांगण अंचल में कोई भी माँ ऐसा नहीं है जिसके कोख से कोई कांग्रेस का नेता पैदा कर लिया हो, कोई भी नहीं है लगता है मेरे को, जीरो है, यहाँ कोई नेता नहीं है कांग्रेस में जो बाहर से आयात किया गया, ये बहुत ही क्षेत्र का विषय है। माझी जी उनका तो दावा है कि मैंने मैनपुर में घर बना लिया, मैं क्षेत्र का हूँ करके। अरे यार वो देखिए कोई चिड़िया है, अभी धान पक गया तो यहाँ घोंसला बना लेगा, ये जो झाड़ दिख रहा है आपका है ना, ये बनाते हैं छोटी छोटी चिड़िया है, अब उसके बाद धान खत्म होता है तो घोंसला को छोड़ के चले जाते हैं। इनकी पैतृक जगह कहाँ है, इसमें आप एक भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, कांग्रेस से पूछिए इसका गाँव कहाँ है, तो कोई नहीं बता सकता इनका गांव कहाँ है, कोई बता दे, मत कई भाई सभा में पूछा भाई इनका जहाँ है उनका गांव कहाँ है आप बताओ, मैं खुद नहीं जानता नहीं कोई जानते हैं तो कहाँ खोजने जाओगे भाई उसको, मैं बोला अरे उसे गांव का ही पता नहीं है, बिलासपुर का, बिलासपुर में बहुत सारे गाँव है, ये किस गाँव का है ये भी किसी को मालूम नहीं। तो आप जाओगे क्या खोजने के लिए? मैं क्या खोजने जाऊंगा, मेरे को क्या जरूरत है उसके गाँव खोजने की है? अगर वो विधायक बन जाता तो लोग खोजते जाते तो 2-4 हजार खर्चा करके, आज उसकी कोई चांस है ही नहीं, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। वो हम तो आने वाला समय बताएगा कि ये इस और नजर उठा के देखेंगे कि बिंद्रांगण के लिए ये समय बताएगा। महोदय एक सवाल ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों से ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता भी आपके संपर्क में है और आपको जिताने के लिए काम कर रहे हैं, बकायदा फोन भी आने लगा है कि मांझी जी के पक्ष में काम कीजिए, क्या ये बात सही है? जो बाहरी जो खबरें उड़ रही है जो मार्केट में, ये खबर कहाँ तक सही है? ऐसा कुछ नहीं है, वो कांग्रेस के कैंडिडेट कांग्रेस के लोग हैं, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपके आपके भी पक्ष में आपसे भी बातचीत होती है कुछ कांग्रेस के नेताओं का कहना है? मेरी बात तो भाई सदैव से इनके साथ में रहा लगा, एक मिनट सदैव से लगाओ मेरा रहा है कांग्रेस से तो बातचीत करना कोई ये बात नहीं है। हमारे बहुत सारे मित्र यार दोस्त ऐसे हैं, मेरे बातों का भी बहुत आदर करते हैं वो लोग, ये संबंध बना के रखना चाहिए लोगों को। तो अंदर से आपको जिताने के लिए काम कर रहे हैं? अब ये नहीं बता सकता क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मगर हमारा संबंध बहुत पुराना है, बहुत वर्षों से है, हम ये नहीं देखते ये कांग्रेस है कम्युनिस्ट है, दो संबंध तो सबके साथ रहना मतलब माझी जी संबंध का लाभ उठा लेंगे वो समय बताएगा। तो ये थे पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी, तमाम सवालों को लेकर हमने बातचीत की, काफी मुस्कुरा कर उन्होंने जवाब दिया, और माझी जी अपने जीत को लेकर ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार बिंद्रांगण बीजेपी ही जीतेगी।
नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी बिंद्रा नवागढ़ में छत्तीसगढ़ में आज चुनावी घोषणा होने कुल मिलाकर जो छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा होने के बाद भी बिंद्रा नवागढ़ में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ने लगा है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बीजेपी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दोनों एक दूसरे पर कुल मिलाकर दोनों का दावा है कि इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी पर आरोप लगा रहे हैं कि वे बाहरी है और मैं स्थानीय हूं, ऐसे में इस बार क्षेत्र की जनता मुझे चुनेगी। तो इस आरोप के बीच हमारे साथ इस समय जनक ध्रुव वोकल टीवी के मंच पर मौजूद है, उनके तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। ध्रुव जी, वोकल टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी। ध्रुव जी, पहला सवाल आपके, जहां भी जो जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है गोवर्धन माझी जी जा रहे हैं, पहला आरोप आपके ऊपर ये लगाते हैं कि आप बाहरी हो और वो स्थानीय है और जनता ऐसे में उनको मौका देगी, उनका दावा है, उस दावे पर जनक ध्रुव जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं माझी जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों से कहां गए थे? पिछले 5 सालों क्या हमने तो पिछले 10 सालों से जनता के बीच में लगातार उसके मूलभूत सुविधाओं को लेकर के उनके दुख सुख में हर हमेशा हम खड़े हैं। आज वो हमारी सरकार आने के बाद चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे सोसाइटी का मामला हो, चाहे 132 बिजली का मामला हो, या चाहे कि PM JSY रोड का मामला हो, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार काम कर रहे हैं। और इसके पहले भी जब वो संसदीय सचिव थे उस समय भी हमने जनता के बीच में मुद्दा उठा करके लोगों का काम करने का प्रयास किया, हर दुख सुख में उनका साथी बनकर के, भाई भतीजा परिवार बनकर उनके साथ में खड़ा रहा। आज मेरा इस प्रकार की बात करते पहले मांझी जी झांक के देखे कि जनक ध्रुव कहाँ रहता है, कहाँ उसका खेती बाड़ी है, ये अपने आप को जाने समझे और पूछे कि जनक ध्रुव का कहाँ का निवासी है। उनको पता नहीं है मैनपुर में नाहनबिरी में मेरा घर है, वहां बरही देवभोग ब्लॉक में मेरा खेती बाड़ी है। लोग बाग यहाँ पे इस प्रकार से आरोप लगाने के पहले अपने आप को झांके और बात करें कि आपके जनता के बीच में आप पिछले 5 साल में किसके पास गए, किस दुख सुख में आप खड़े थे, इस सवाल का जवाब तो जनता आने वाले 17 नवंबर को चुनाव होगा उसमें बताएगा। और 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि जनता किसके साथ में, लोग किसके साथ में, किसको अपने इस प्रकार से अपने आप में ये समझता हूं कि अपने आप में बहुत माहिर हो गए। महोदय, उनका तो ये भी आरोप है कि यदि आप विधायक बनते भी हैं तो आपको क्षेत्र की जनता खोजेगी और आप कहां रहेंगे क्षेत्र की जनता को ये भी पता नहीं रहेगा। माझी जी का ऐसा आरोप है? मैं बता दिया, पिछले 10 साल से जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं कुछ नहीं था, चुनाव हारने के बाद लगातार 10 सालों से जनता के बीच में हर दुख सुख में खड़ा रहा। और ये संसदीय सचिव थे, लोग बाग खोजते थे इसको, तब भी नहीं मिलते थे, कांच बंद करके रायपुर और गोहरा पदर से आना जाने के सिवा कुछ नहीं किया। गोद ग्राम इंदा गांव रखे थे, उस गोद ग्राम में इन्होंने क्या किया है, ये जनता जवाब चाह रहा है। वो तो पहले बताए कि आप पिछले 5 सालों में क्या काम किए और आपके संसदीय कार्य में क्या किए हैं, इसको जनता जान चुकी है, भली भांति से जान चुकी है। इसमें तो सवाल दिखता है कि जब बाइक रैली की और छत्तीसगढ़ में कितने गिनती के लोग उसके बाइक रैली में थे, और आप देखेंगे अपार अपार हमारा जब नामांकन रैली हुआ तो अपार लोगों का प्रेम और उत्साह के साथ यहाँ पे एक एक किलोमीटर तक रैली का उत्साह उमड़ गया था। और उसके देखें उसके अपने नेता से हमारे अपने विधायक पुजारी जी थे, उनके पुजारी जी उनके साथ में नहीं चले, उन्हीं में गुटबाजी है। तो आपको लगता है क्या ध्रुव जी, जैसे विधायक पुजारी नामांकन में साथ नहीं थे या कहीं भी किसी भी जगह में प्रचार में नहीं जा रहे हैं तो उसका असर पड़ सकता है? बिल्कुल असर पड़ेगा, जनता जान चुकी है, ठान चुकी है, ये उनका कार्यकाल का और हमारा 10 साल का संघर्ष को जनता एक एक जान चुकी है। उनके कौन आदमी किसके साथ खड़ा है, कौन आदमी किसका काम के लायक है, कौन किसका परिवार का है, कौन किसके दुख सुख में खड़ा रहता है, कौन संघर्ष के समय काम किया है और कौन हमारा काम करेगा। बिंद्रा नवागढ़ के अंतिम छोर के जनता, एक एक महिला पुरुष मतदाता युवा साथी लोग जान चुके हैं। हमारे युवा मितान के हमारे युवा मतदान का सैलाब से उमड़ गए, लोगों में उत्साह हो गया, बच्चे बूढ़े जवान से लेकर के आज पूछ लीजिए गली गली मोहल्ले पारा टोरा में कौन नहीं जानता जनक ध्रुव का नाम। ध्रुव जी, आपने तो इसका सवाल तो काफी बेहतरीन तरीके से दिया। ध्रुव जी, एक सवाल आपसे ये भी जानना पूछना चाहूंगा। ध्रुव जी, गोवर्धन माझी फुल कॉन्फिडेंस में और उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में 51,000 मतों से जीत रहा हूं, इस पर जनक ध्रुव जी क्या कहेंगे? वो जनता का जवाब 3 दिसंबर को पता चल जाएगा
कि जनता का जवाब कैसे रहेगा। ऐतिहासिक मत से हमारी जीत होगी और बिंद्रानगर के जनता का आशीर्वाद इस बिंद्रानगर के धरती के लिए स्वर्णिम अवसर होगा। उनका तो ये भी दावा है कि आपके कांग्रेस में भी गुटबाजी की स्थिति है। हमारे में कोई गुटबाजी नहीं, गुटबाजी तो उसी में दिखता है। उनके लोग कितने हैं, गिनती के 10-12 लोग दिख रहे हैं। उनके विधायक लोग कहाँ गए, उनके संगठन के लोग कहाँ गए, वो सवाल तो अपने लोगों से पूछना चाहिए। मेरे से क्या सवाल जवाब करेंगे वो। ध्रुव जी, उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में बिंद्रानगर में जो काम होना था वो काम नहीं हो पाया, ऐसे में जनता कांग्रेस को जवाब देगी और जनक ध्रुव को भी जवाब देगी, उनका ऐसा दावा है। पिछले 5 साल बोलते, पिछले 15 सालों में आपने क्या काम किया, इसको तो जनता जवाब देगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, 132 का काम हुआ, धान खरीदी का 2-2 दर्जन धान खरीदी हुआ है, लोगों को युवा मितान के माध्यम से आज जगह जगह पे नरवा गरवा गुरुआबारी का शुरुआत हुआ है। यहाँ युवा मितान के माध्यम से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलकूद का बढ़ावा मिला है। सरकार यहाँ कर्जा माफ कर रही, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। या धान खरीदी का मामला 20 क्विंटल हो गया है, आने वाला समय में हमारी सरकार जो है वो 3,000 क्विंटल में धान खरीदेगा। और इस प्रकार से बात करते हैं, लोगों को गुमराह करना एक बंद करें और आने वाला जो समय होगा वो हमारा ऐतिहासिक जीत होगा। ध्रुव जी, एक सवाल और, ध्रुव जी इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्रुव जी आपको लगता है क्या कि बाहरी और स्थानीय बोल के लोग आएंगे इस बिंद्रानगर के अंतिम छोड़ के? जनता जान चुके हैं, एक एक बच्चा जान चुका है, एक एक बूढ़ा सियान हमारी माता बहने युवा साथी जान चुके हैं कि जनता, एक एक आदमी जान चुके हैं जी जनक ध्रुव और गोवर्धन मांझी में काम करने वाला आदमी कौन है, कौन कहाँ रहता है, कौन हमारा काम आ सकता है, कौन दुख सुख का साथी है, एक एक लोग जान चुके हैं। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला, ये तो जवाब तो 3 दिसंबर को मिलेगा ना। ध्रुव जी का अंतिम सवाल, कितने मतों से बिंद्रानगर जीत रहे हैं? ऐतिहासिक मत से जीतेंगे, जनता उनका निश्चित ही यहाँ पे बिंद्रानगर का भारी से भारी जीत जिलाएंगे। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी जनक ध्रुव जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि गोवर्धन मांझी स्थानीय और बाहरी के जो आरोप लगा रहे हैं, कुल मिलाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जनता, जनक ध्रुव का ये भी दावा है कि जनता उन्हें जान चुकी है, आज एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, उन्हें हर गाँव में लोग उन्हें जानते हैं। ऐसे में यदि बीजेपी के प्रत्याशी गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो लोग उनके गुमराह करने वाली बातों में नहीं आएंगे। और उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक मतों से बिंद्रानगर कांग्रेस जीत रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनक ध्रुव जी के दावे में कितना दम है, वो तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। कैमरा पर्सन गंदर बेसरा के साथ रवि कांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।